पता नहीं यार, सुबह उठ के किसका मुंह देख लिया था जनाब। जितनी बार मैं इस फाटक से गुजरने के लिए आया हूँ, उतनी बार ही फाटक बंद मिला है। आटा तो अभी हमें मिल नहीं रहा, तो सामने से ट्रेन गुजरती है। ये वाला प्रेशर तो हमारा ठीक हो गया है, इसको भाई जान चेक कर रहे हैं। यार आवाम का हाल देखें, हर बंदा कहता है पहले मैं गुजर रहा हूँ। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सुबह के टाइम टाइम से उठ गया था मैं, दोनों गाड़ियाँ रेडी करके हमने खड़ी कर दी हैं। अभी बाबा जी आए हुए थे तो उन्होंने सारा लोन एकदम सेट मैट चका चक कर दिया है। ऐसे नहीं बाबा जी, चका चक कर देता है सारा काम। क्या बात है जी थोड़ी। बाबा शूज गूगल वाले ने गिफ्ट भेजे ही? हाँ जी हाँ जी, नहीं जी फोन किया थी उन्होंने, गूगल लिखे उते। हाँ फोन किया थी उन्होंने, उन्होंने फोन किया था आपकी तरफ शूज भेज रहे हैं तो उन्होंने। की केड़ा कारनामा किया था? वो भी ऐसे कारनामा से जुत्ती भेज गए, जुत्ती टूट गई बाबा मारी। अच्छा क्या बात है जी, गूगल की तरफ शूज। और मौसम तो आज ऐसा ना कि एकदम क्लियर सनलाइट, इतनी तेज़ सनलाइट है सुबह सुबह के टाइम ही, बहुत मज़े का मौसम आज। अभी 9:30 का टाइम हो रहा है, खुद को रेडी करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बाकी के काम बाद में देखते हैं। तो रेडी मैं हो गया हूँ, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, तो अभी टाइम होता है हमारे काम करने का, तो निकलते हैं बाहर। ये कुछ सामान है मेरे पास, कुछ प्रेशर कुकर है, इनको ठीक करवाना है और हमें जाना पड़ेगा चक्की पे। तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। 3 से 4 जगह पे जाना है हमने, अभी समझ नहीं आ रही मैं पहले कहाँ पे जाऊँ। खैर देखते हैं, सबसे पहले इन बर्तनों को कहीं पे देते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। चक्की पे जाने के रहता था लेकिन पहले फाटक बंद था, उधर इधर को आ गया हूँ मैं। ये सामने शॉप है, ये छुरियाँ तेज़ करवानी है, ये सबसे पहले करवा लेते हैं। छुरियाँ मैंने दे दी हैं भाई को, वो कह रहे थे कि आज तो लाइट ही बहुत लेट आएगी तो उनको सेकंड टाइम लेने आना पड़ेगा दोबारा से। ट्रेन गुजर गई है, फाटक खुल गया है। यार यहाँ से बहुत रास्ता ख़राब है। ट्रेन गुजरने के बाद भी लोग ऐसे एक दूसरे के आगे आ चुकी होती हैं ना गाड़ियाँ बाइक्स के, फाटक खुलने के बावजूद भी निकलते निकलते 15-20 मिनट लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राज साहब, आज माशाल्लाह बहुत अच्छी लाहौर में धूप निकली है। गले गले चाय पी रहे हो? चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं धूप में। गंदम थोड़ी आई है तो पी रहे सर ये बुझी वेले आ वेले आ ये गंदम यार थोड़ी यार। वजन कर दे जनाब थोड़ी ही है, चेक कर लेना साफ ही। 70 काट ले जी। चक्की पे आए हुए हैं तो गुड़ तो हम जरूर ट्राई करेंगे। चलिए जी, फाटक शरीफ हमारी वापसी पे फिर से बंद हो चुके हैं। अभी ट्रेन का वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। छुरियाँ दी ठीक करवाने के लिए, उस भाई ने भी कह दिया कि 4 बजे के बाद आना, और चक्की वाले ने भी कह दिया कि 4 बजे के बाद आना। फाइनली आ गई है 10-15 मिनट के वेट के बाद। स्लो ही चल रही है, बाज़ औक़ात बहुत स्पीड से गुजरती हैं। यार आवाम का हाल देखें, हर बंदा कहता है पहले मैं गुजर रहा हूँ, दूसरा ब्लॉक होता है तो हो जाए। ओफ ओफ ओफ, बर्तन मैं साथ ले गया था इनको ठीक करवाना था, लेकिन वो भाईजान भी अपनी शॉप खुली छोड़ के मार्केट गए हुए हैं, कह रहे थे कि 1-1.5 घंटे बाद आऊँगा। खैर हमारा सेकंड टाइम का चक्कर है दोबारा, तो उस टाइम इनको रिपेयरिंग करवाएंगे, फ़िलहाल हम घर चलते हैं। तो अभी मुझे याद आया कि सब्ज़ी वाली शॉप पर भी जाना था मैंने, तो इधर से अब मैंने लेफ़्ट लिया है, सब्ज़ी वाली शॉप पे जाते हैं फिर उसके बाद घर चलेंगे। तो सब्ज़ी वाली शॉप पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ से पकड़ते हैं सब्ज़ी और वापस घर निकलते हैं। मूलियों के पत्ते भी आए हैं। ठीक है, अच्छा सब्ज़ी दे दो मेरी बेटा। मूलियाँ आम मूलियाँ पकड़ रहे हैं। ये है क्या? फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन ये निकालते हुए हैं ना इसमें से, वो हाँ सफाई हो रही है जी। मैंने पकड़ लिए, जल्दी से यहाँ से गाड़ी घुमा लेते हैं,
ताकि दोबारा फाटक बंद ना हो जाए और दोबारा ना हम फंस जाए आधे घंटे के लिए। अभी सबसे पहले खाता हूँ खाना। तो खाना वाना खाने के बाद बाज़ार की तरफ निकल आए हैं। अभी थोड़ी शॉपिंग होगी और फिर वापस जाएंगे। घर वापस आ गया हूँ मैं बाज़ार से। अभी 3 का टाइम हो चुका है और सर्दी लगनी शुरू हो गई है। मैं पिछले 1-1.5 घंटे से आराम कर रहा था, तो अब दोबारा से निकलते हैं, अपने काम कम्प्लीट करके आते हैं। टाइम कम है और काम ज़्यादा है। मिनट का टाइम हो चुका है। मौसम आज काफ़ी क्लियर है, इसलिए अभी तक सनलाइट नज़र आ रही है, नहीं तो कल इस टाइम बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि शाम हो गई है। पता नहीं आज सुबह उठ के किसका मुंह देख लिया था। जनाब जितनी बार मैं इस फाटक से गुजरने के लिए आया हूँ उतनी बार ही फाटक बंद मिला है यार। आटा तो अभी हमें मिल नहीं रहा, तो सामने से ट्रेन गुजरती है यार। बहुत फाटक बंद हुआ है, बहुत ज़्यादा। ये वाला प्रेशर तो हमारा ठीक हो गया है, इसको भाई जान चेक कर रहे हैं। वो सामने गाड़ी खड़ी की है मैंने, ले लीजिए। ये सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए, अब वापस घर की तरफ चलते हैं। तो जी अभी मैं घर वापस आ गया हूँ, तो आज का व्लॉग जो है वो हम यहीं पे एंड कर देते हैं। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा। अपने इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।